जैसलमेर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति लगातार सुनिश्चित की जा रही है। जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि जिले में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं और दाल का वितरण किया जा चुका है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की घोषणा होते ही हमने जिला जैसलमेर के सभी थोक व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया और उनके साथ उसके बाद से लगातार हम बैठकें कर रहे हैं। उनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आने वाली किसी भी समस्या का हम तुरंत उनका निस्तारण करते हैं। शुरुआत में कई समस्याएं आई थी तो हमने स्वयं ने सीधा दाल मिलों से या तेल मिलों से बात करके उनकी सप्लाई चेन को बनाए रखा। यहाँ पर सभी को राशन पानी मिल रहा है। एक व्यक्ति को 10 किलो सर गेहूँ मिलते हैं, 1 किलो दाल मिलती है, साथ में 1 किलो साग सब्जी और राशन की कोई हमको दिक्कत नहीं है। सब टाइम पे मिल रहा है और पूरा हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो अभी महामारी चल रही है कोरोना, उससे बचने के लिए पूरा उनका ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं।